नमस्कार, मैं जीएस गुरु आपका स्वागत करता हूं रेलवे की क्लासेस। और आज फिर बात करेंगे रेलवे की, क्योंकि आज आपके लिए वेडनेसडे। जैसा कि शेड्यूल सबको पता ही है, 3 दिन की क्लास हो गई रेलवे की, 3 दिन की यूपीपी की, यूपीपी यानी यूपी पुलिस की। तो MWF में रेलवे हम लोग देखते हैं और TTS में यूपी पुलिस हम लोग देखते हैं। आपको भी पता है शेड्यूल क्या है, इसलिए शेड्यूल आपको रिमाइंड करा दें, क्योंकि बार बार हम कंफ्यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कहते हैं, सर रेलवे की क्लासेस क्या बंद हो गई है या यूपी पुलिस की क्लास बंद हो गई। क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट करा, सर संडे को क्लास नहीं हुई। तो सर इसीलिए आपको रिमाइंड करा दें कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम लोग देखते हैं क्या यूपीपी। अब बात करें रेलवे की, देखो 19 से पेपर है, और 19 से पेपर है तो जिनका पेपर होगा RPF का वो तो तैयारी तो जम के करेंगे ही, और जिनका नहीं है तो और सारे पेपर जो SSC के जो पेपर होंगे आने वाले समय में, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है SSC की, और ये फैसला हो जाएगा कि 2019 की वैकेंसी कब आएंगी इलेक्शन के पहले। समझना मेरी बात को, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। और स्टेट वाइज एग्जाम तो है ही, यूपी में तो एग्जाम की भरमार है, बिहार में भी एग्जाम की भरमार है, इसीलिए परेशान नहीं होना है। जिनका ALP पार्ट वन हुआ, पार्ट वन यानी CBT 1 हुआ और बढ़िया, ना तो फिर ग्रुप डी। और कहीं ना कहीं 2018 और 2019 हमारे लिए सिलेक्शन ईयर बनकर आएगा, इसीलिए प्रण लें, अपने आप से कमिटमेंट करें कि 2018 जो हुआ सो हुआ, 2019 हमारे लिए फ्रूटफुल हो। ठीक है, चलिए फिर वही बात पूछेंगे आपसे कि टुडे 20 क्वेश्चंस, जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन, और अपने आप से कमिटमेंट करें कि 20 प्रश्न में, 20 क्वेश्चन में कितने सही होंगे आपके। चलिए जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, मनोज कुमार जी जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही करोगे, आप 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप राइट करोगे। देखिए चंदन कुमार जी सही ने कहा, सही कहा, सर एग्जाम से पहले कट ऑफ। भैया एग्जाम देखो लंबा ड्यूरेशन है ना, इसका कट ऑफ एनालाइज कर नहीं सकते हैं हम लोग। देखिए कुमार कौशल जी का आ गया 20 में 20, बहुत बढ़िया। लेकिन ना आप लोग से एक बड़ी थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है कि जब वीडियो लास्ट होता है, वीडियो खत्म होता है, तो आप कमेंट करके ना जरूर बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए। अरे सर हमारे लिए 10 ही क्वेश्चन हो, 12 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, डजंट मैटर, हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं, इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकूं कि आप गलती कहां कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वर्कर्स ऑफ पेंट इंडस्ट्री आर एक्सपोज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हैजर्ड। पेंट उद्योग के श्रमिक निम्नलिखित में से किन खतरों से अवगत होते हैं, निकिल पॉल्यूशन, कैडमियम पॉल्यूशन, अस्टोंटियम पॉल्यूशन या लेड प्रदूषण। पेंट उद्योग में जो वर्कर होते हैं वो किन खतरों से अवगत होते हैं, उन्हें पता है कि भैया हम कहां कैसे बीमार पड़ेंगे, निकिल, कैडमियम, अस्टोंटियम या लेड। चलिए बलजीत कौर का सबसे पहला जवाब आया लेड, पिंटू ने भी कहा लेड, बहुत बढ़िया, अजय चौधरी ने भी कहा लेड, रोशन गुप्ता ने कहा सी, चलो आंसर देख ही ले क्या होता है। लेड पॉल्यूशन यानी सीसा। अब समझो हम लोग कभी कभी पेंट की बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट भी देखते होंगे आप लोग टेलीविजन वगैरह में, तो हम लोग बोलते हैं ना जिसमें सीसा हो वो पेंट जल्दी छूटता नहीं है, तो लेड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है पेंट इंडस्ट्री में यानी पेंट में। अब हम लोग ये देखते हैं कि पेंट में कौन कौन से ग्रेडियंट होते हैं, यानी कौन कौन से भाग, कौन कौन से चीजें मिलाई जाती है पेंट में। चलिए पेंट कंटेंस 3 मेन इंग्रेडिएंट्स पिगमेंट। पेंट में 3 मुख्य तत्व होंगे, एक पिगमेंट होगा, वर्णक होगा, और दूसरा बाइंडर होगा, और तीसरा विलायक होगा। बाइंडर का काम क्या है, वो पकड़ कर रखेगा ताकि पेंट जल्दी से छूटे नहीं। द पिगमेंट प्रोवाइड द टेक्सचर, कलर एंड द हीडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द पेंट।
वर्णक क्या करेगा, बनावट रंग और रंग के छिपने का गुण प्रदान करता है। आई बातें समझ में। अब देखो, पिगमेंट एक्चुअली टू प्रिटी डेंजर्स विच इज इंक्लूडेड लेड, क्रोमैट्स एंड एस्बेस्टस। यानी पेंट में तीन चीजें मिलाई जाती है मुख्य रूप से जो खतरनाक होते हैं। अब हो सकता है आपके आने वाले समय में समझना, आपके आने वाले समय में कह दे इनमें से कौन से पिगमेंट नुकसानदेह है, लेड, एस्बेस्टस और क्रोमैट्स। ये तीनों के तीनों नुकसान है हमारे लिए। लेड यानी पीबी, इसका ओर क्या होगा, गैलेना। सीसा का ओर क्या होगा, गैलेना। अरे बातें समझ में। तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से गैलेना किसका अयस्क है, सीसा का। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उबंटू, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एप्पल्स मैकओएस। चलिए बताइए क्या होगा। अतुल सिंह, क्या नहीं समझ में आया जरा बता दो भाई, टाइप करो क्या नहीं समझ में आया आपको। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सर इसका तो जवाब कम से कम 200% आप लोगों को देनी ही चाहिए। भैया एमएस ऑफिस ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये सॉफ्टवेयर है। उबंटू, लिनक्स और एप्पल्स मैक ओएस ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, देखो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है, जिसको हम लोग मदरबोर्ड कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कहें सब कुछ तो इसी पे डिपेंड करता है हमारा, सब कुछ तो डिपेंड करता है यही हमारा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें, चलिए सीईओ कौन होंगे, सत्य नडेला इनके सीईओ हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी। अमृतसर, पटियाला, लाहौर, इस्लामाबाद। भैया जीके माकवाना, भैया क्लास कर लो, ठीक है क्लास कर लो, परेशान मत हो। वो जो आपकी क्वेश्चन है आपको पहले भी कहा यार, ये कमेंट बॉक्स में आप बता दो कमेंट करके, ठीक है, तो मैं आपका कब जवाबी प्रश्न ले नहीं पाऊंगा क्योंकि लाइव पीएसएस है नहीं। चलिए बताइए क्या होगा। देखो महाराजा रंजीत सिंह की जो कैपिटल थी वो लाहौर। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और नया करूं, सेकेंड कैपिटल, दूसरी राजधानी इनकी अमृतसर थी। यानी महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर, दूसरी राजधानी अमृतसर, दूसरी राजधानी अमृतसर। ठीक है, अब थोड़ी सी महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जानते हैं। भैया ये क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, इस कारण से इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी नाम रखा गया है, इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी नाम रखा गया है। ठीक है, आगे देखो महाराजा रणजीत सिंह जिन्हें द लायन ऑफ द पंजाब, पंजाब का शेर कहा जाता है, 1780 में जन्म होता है इनका, 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो सिख शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता है, जो पंजाब के सिख शासक थे। एक क्वेश्चन आपके लिए नया देखने को मिलेगा, इनका मकबरा कहां है। हिज टॉम्ब इज लोकेटेड इन लाहौर, पाकिस्तान। महाराजा रणजीत सिंह का मकबरा कहां है,
महाराजा रणजीत सिंह का मकबरा कहां है? लाहौर पाकिस्तान में है। एक मिसल चलता था उस समय, मिसल यानी जैसे हम वंशज कह सकते हैं, तो महाराजा रणजीत सिंह सूकर चकिया मिसल से संबंध थे, सूकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है, आ रही बात समझ में? बात आई समझ में? अगर समझ में आई तो कम से कम क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखता चले सर क्लियर है। ठीक है, इनका मकबरा कहां? लाहौर में। मैं एक चीज और बताऊं, अगर हम मुगल डायनेस्टी की बात करें, मुगल साम्राज्य की बात करें, तो एक और शासक जिनका मकबरा लाहौर में है, जहांगीर का मकबरा कहां पे है? लाहौर में है। क्योंकि दो ही ऐसे मुगल शासक हैं जिनके मकबरा, सॉरी तीन, जिनके मकबरा अब्रोड इंडिया है, बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह सेकेंड कहें या जफर कहें। ठीक है, चलो। अब ये महाराजा का खिताब लिया इन्होंने कब? ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा ऑन अप्रैल 12, 1801। यानी कहें हम कि 12 अप्रैल 1801 को बैसाखी के दिन महाराजा का खिताब लिया और लाहौर में 1799 से अपनी राजधानी के रूप में कार्य किया था। ठीक है, चल। ही इज रिमेंबर्ड फॉर यूनाइटिंग पंजाब। इनको जाना क्यों जाता है? उन्हें पंजाब को एकजुट कर मजबूत राज्य और कोहिनूर हीरे को कब्जे में रखने के लिए याद किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम साउंड पॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स, लाउड म्यूजिक, हैवी ट्रांसपोर्ट, जेट फ्लाइट। भैया कहां बफरिंग कर रहा है बताओ? आप लोग लिख रहे हो बफरिंग? यार सब तो अच्छे से जवाब दे रहे हैं। गौरव द्विवेदी जी ने कहा जेट फ्लाइट, सब कह रहे हैं जेट फ्लाइट। बहुत बढ़िया। क्यों ऐसा? जेट फ्लाइट क्यों होगा? जेट फ्लाइट क्यों होगा? क्योंकि सुपरसोनिक साउंड प्रोड्यूस करेगा ये जेट, और एक बार में पता है 150 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करता है जेट जेट फ्लाइट। जबकि नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मली टॉकिंग की जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं, वो ना 10 से 15 डेसिबल है। 10 से 15 डेसिबल कहें, फुसफुसाहट जो हमारी धड़कन है, जो हमारी हट है, धड़कन है, वो 10 से 15 डेसिबल नॉर्मल बातचीत जो हम लोग करते हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग बस में मिले, कहीं भी मिले, दोस्तों यार से बातचीत, जो हम लोग फ्रेंड्स से बात करते हैं, घर में बात करते हैं, वो नॉर्मल है 30 से 40 डेसिबल नॉर्मल, और हमारी जो धड़कन धड़कती है वो 10 से 15 डेसिबल। एक क्वेश्चन आया था 28 अक्टूबर को पीसीएस में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर में, पत्तियों की सरसराहट कितने डेसिबल प्रोड्यूस करेगा? 10 से 15 डेसिबल। सरसराहट है ना, हल्का सा सरसराहट है, पता नहीं चलता है। तो जो हमारी धड़कन धड़कती है उतने ही डेसिबल में पत्तियों की सरसराहट होती है। ठीक है, चलो। पेट्रोलॉजी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ, पेट्रोलॉजी का अध्ययन है, किसका अध्ययन है समझना? लैंड सरफेस, भूमि सतह, मिनरल, खनिज, रॉक, चट्टान या सॉइल, मिट्टी। चलिए बताइए क्या होगा? पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए क्या होगा, रॉक। सर ऐसे समझो ना, जो क्रूड ऑयल निकालते हैं हम लोग, पेट्रोल निकालते हैं चट्टानों के, तो पेट्रोल से निकल कर आया रॉक, पेट्रोलॉजी।
सॉइल की अगर हम बात कर दें तो पेडोलॉजी हो जाएगा ये। सॉइल की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो ये क्या होगा? पेडोलॉजी। अरे बात समझ में, चलो देखें। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन है। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। और टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द शेप एंड फीचर्स ऑफ लैंड सर्फेसेस, यानी भूमि सतहों के आकार और विशेषताओं का अध्ययन। जैसे भूमि सतहों के आकार और विशेषताओं की बात करें हम, तो कहीं की भूमि सैलिन है, खारा है, कहीं की भूमि चौकोर है, समतल है, कहीं की भूमि ऊबड़ खाबड़ है। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलता है, कैसे जानते हैं आप? टोपोग्राफी के जरिए, ठीक है। और मिनरलॉजी, मिनरलॉजी यानी कहें खनिज विज्ञान, खनिज विज्ञान यानी मिनरोलॉजी, खनिज उनके क्रिस्टलीय रासायनिक संरचनाओं तथा गलनांक बिंदु जैसे गुणों का अध्ययन है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं सब क्लियर है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द स्टैंडर्ड हड़प्पन सेल्स वर मेड ऑफ क्ले, मानक हड़प्पा मुहरें मिट्टी से बने थे। द इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन हैड नॉलेज ऑफ आयरन, हड़प्पा के निवासियों को लोहे का ज्ञान था। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज रूरल बेस्ड, हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण आधारित थी। या ऑप्शन नंबर 4, द इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा यूज्ड कॉटन, हड़प्पा के निवासियों ने कपास का इस्तेमाल किया है। बहुत बढ़िया, चलो बहुत सही, बस योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। आपको समझ में आ गया, संतुष्टि मिल जाती है हमें, इसलिए बताइए क्या होगा। क्वेश्चन लोग कह रहे हैं 4 सही है, यानी मैक्सिमम लोग 4 के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो पहला ऑप्शन गलत लगा आपको, पहला ऑप्शन गलत लगा। क्यों गलत लगा? इसलिए कि मिट्टी का नहीं बना था, किसका बना था? सेल खड़ी का। किसका बना हुआ था? मुहरे सेल खड़ी की बनी हुई थी। लोहे का ज्ञान था? नहीं। क्यों? हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अ ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता थी ये। क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन इट वॉज अर्बन सिविलाइजेशन, एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगा? नगर नियोजन सभ्यता। तो ये कर गलत हो गया। अब समझना, ऑप्शन मैं क्यों हटा दे रहा हूं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और सबसे पहले वर्ल्ड में, विश्व में कहीं अगर कपास का प्रोडक्शन सब साक्ष्य हमें मिलते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जरिए। यानी सबसे पहले कपास को उपजाने की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें, तो सबसे पहले कपास का साक्ष्य कहां से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। इज दैट क्लियर? आ रही बातें समझ में? चलो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, इज एन एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन दैट फ्लरिश्ड मोर देन 4000 ईयर्स अगो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है जो 4000 साल पहले भारत पाकिस्तान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्सों में विकसित हुई थी। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, आगे समझना, जो कितने सारे चीज निकल कर आएंगे। कहा 4000 साल पहले, कभी कभी पीरियड पूछता है ना, पीरियड क्या होगा इसका? 2500 BC से लेकर 1750 BC इज यूनिवर्सल ट्रूथ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड है, टेन्योर है, अवधि है, वो क्या होगा? 2500 BC से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये सही है। आगे देखो, इट इज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम रिवर इंडस।
विच इज द मेन रिवर ऑफ द रीजन। इसका नाम सिंधु नदी से लिया गया है जो इस क्षेत्र की मुख्य नदी मानी जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखें हम द मेन टाउन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य कस्बे कौन थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सॉरी हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे जो राजस्थान, और लोथल भोगवा नदी के किनारे। आ रही बात समझ में? समझो कितने सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते जा रहे हैं। हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्घर नदी, राजस्थान, लोथल, भोगवा नदी। सबसे बड़ा जो झील कहें या सबसे बड़ा जो गोदीबाड़ा कहें, डॉक कहें, बंदरगाह कहें, लोथल था। द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर पर्सनल क्लीननेस। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं निजी स्वच्छता, शहर की योजना, ईंट घरों का निर्माण, मिट्टी के बर्तन कास्टिंग, धातुओं की फोर्जिंग, कपास और ऊनी वस्त्रों का निर्माण है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई इज द एलोविश कलर ऑफ मिल्क ऑफ काउ। गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? इट कंटेन्स मोर फैट, इसमें अधिक वसा होता है। इट कंटेन्स मोर एसिड, इसमें अधिक एसिड होता है। इट कंटेन्स मोर ग्लूकोज, इसमें अधिक शर्करा होता है। इट कंटेन्स मोर कैल्शियम, इसमें अधिक कैल्शियम होता है। चलिए बताइए क्या होगा। अच्छा चलिए पेन का कलर चेंज कर दूं, है ना, चलो चेंज कर दे, परेशान ना हो। फोर्जिंग यानी ना बांधना, यानी सजाना। गाय के दूध का रंग पीला क्यों होगा? इसमें अधिक फैट्स होते हैं, वसा होता है, कैल्शियम नहीं, इसमें अधिक वसा होता है, इसलिए थोड़ा सा पीला होता है। ठीक है, अगर हम कैल्शियम नहीं, गलत, कैल्शियम गलत हो जाएगा आपके, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। कैल्शियम की मात्रा तुलनात्मक रूप से जितने भी कैल्शियम जो फूड है उसमें से दूध में ज्यादा होता है कैल्शियम। काउ मिल्क इज येलो, गाय के दूध का रंग पीला होगा। क्यों? प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन इन द फॉर्म ऑफ फैट, वसा के रूप में बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के का दूध पीला होगा। बफेलो मिल्क इज व्हाइट इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन इन द फॉर्म ऑफ विटामिन के। एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिला, समझना, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल गया क्या? इनमें से किसके मिल्क में विटामिन के पाए जाते हैं? बफेलो यानी भैंस के दूध में। इस कारण से कैरोटीन की मौजूदगी के कारण इसका दूध व्हाइट होगा। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट डिपोजिटर ऑफ आयरन ओर। राज्यों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडारक है? छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड। चलिए बताइए क्या होगा। सुजीत कुमार जी, बफेलो का जो दूध है पतला होता है, आप देखोगे उसका दूध पतला होता है थोड़ा। चलो बताओ आगे। राज्यों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडारक है? भैया देखो, आपको पहले ही बताया कि 40% ना मिनरल प्रोडक्शन का, 40% मिनरल सबसे ज्यादा कहां होगा? झारखंड में होगा। तो जाहिर सी बात है सर, झारखंड जहां, उसी के साथ तो जाएंगे हम। ये वाली ऑप्शन हम ऐसे ही हटा दें, ये वाली ऑप्शन ऐसे ही हटा दें। अब ये एक बचा झारखंड, यहां तो मयूरभंज उड़ीसा में भी तो है। तो झारखंड और उड़ीसा में सबसे ज्यादा आयरन ओर पाया जाता है। अब जरा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताओ सबसे ज्यादा आयरन
विश्व वर्ल्ड में कहां पाया जाता है? चलो ठीक है, अच्छा बताओ। अच्छा छोड़ दो, भैंस का दूध मोटा पतला बाद में देखेंगे। चलो बताओ क्या होगा। अच्छा मिल्क गाढ़ा होता है उसका, चलो ठीक है, इसका बता दो क्या होगा कि वर्ल्ड में विश्व में सबसे ज्यादा आयरन प्रोडक्शन क्या होगा? चाइना, अमेरिका, देखो समझना। यानी एक ट्रिक के जरिए याद रखें, चाबी चाबी बनती किससे है? चाबी किससे बनती है? स्टील से, लोहे से। नंबर वन चाइना, नंबर वन चाइना, दूसरे नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका नहीं, तीसरे पे ब्राजील और चौथे पे इंडिया। यानी ये ट्रिक ऐसे है, मेजर आयरन ओर डिपॉजिट्स इन इंडिया अकर इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ और गोवा। ठीक है, चलिए। नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 24 मार्च, 24 अप्रैल, 24 अक्टूबर। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। अरे अंजू कुमारी जी, क्यों नहीं आएगा एसटी का क्वेश्चन, सो बताओ एग्जाम में। आखिर जो भी हम लोग एसटी प्रोवाइड कराते हैं आपको, वो तो एग्जाम ओरिएंटेड है ना, उसी को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। अब बताओ, इसी में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाया हुआ, या ग्रुप डी की बात करें, या यूपी पुलिस की बात कर लें जो पहले एग्जाम हो चुका है, या फिर आप बात करें एएलपी की। चलिए कितने सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि जो पढ़ाया हुआ वो नहीं आया है। अरे आखिर हम लोग जो प्रोवाइड कराते हैं आपको, वो एग्जाम ओरिएंटेड है ना। 24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को, 1973 को, 24 अप्रैल 1973 को 73वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया, सॉरी 1993 को, 1993 यानी 73वें संविधान संशोधन से 1993 चौबीस अप्रैल को इसे ऐड किया गया। तो 24 अप्रैल इज राइट आंसर। आगे देखो, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस डे, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। देखिए कमेंट बॉक्स में बच्चे लिख रहे हैं, देखिए। तो इसलिए ना, इसलिए परेशान मत हो, क्योंकि देखो जब भी जो भी चीजें आपको प्रोवाइड कराते हैं सर, वो हम लोग खुद जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक प्रोवाइड कराते ही नहीं आपको। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान में 1959 लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ठीक है, चलिए। शाहजहां वासदा डैश मुगल रूलर ऑफ इंडिया, शाहजहां भारत के डैश मुगल शासक थे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नन ऑफ दीज। चलिए बताइए क्या होगा। शाहजहां भारत के कौन से मुगल शासक थे? लोग कह रहे हैं दूसरे, लोग कह रहे हैं तीसरे, लोग कह रहे हैं पांचवें। देखो कई लोग कह रहे हैं, अभी मतलब कंफ्यूजन है आप में कि पांचवा कहें या तीसरा कहें।
आप लोगों ने बीजेपी को तो हरा दिया ना भाजपा को भाई, 5 राज्यों में चुनाव हुई, पांचों राज्य में भाजपा बाहर। चलो भाजपा को हम लोग भी बाहर कर दे दिमाग से, समझना। भाजपा को दिमाग से निकाल दें बिल्कुल, BHAJPA। अब भाजपा हटाओ, अब भाजसा ले आओ। देखो क्या किया, जो पी था पी के जगह पे ले आया एस, भाजसा। कैसे याद रखें, B4 बाबर, H4 हुमायूं, A4 अकबर, J4 जहांगीर, S4 शाहजहां, A4 औरंगजेब। यानी भाजपा को याद ना रख के पी को हटाएं और वहां पे शाहजहां को ले आएं। बस यही तो है कि भाजपा के जगह पे भाजसा रख लें, याद रखने का तरीका ऐसा ही है। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये मत समझ लेना कि भाजपा को हटा के लाया है, यानी देखो जैसे याद रखे हमारे दिमाग में जो स्ट्राइक कर ले बस। ठीक है, चलो थोड़ी सी शाहजहां के बारे में चर्चा कर लें, काफी क्वेश्चन बनेंगे, फ्रूटफुल होगा, आपको समझना। शाहजहां जिनका निकनेम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, एक क्वेश्चन बनता कभी कई बार है कि खुर्रम किसका निकनेम था, वास्तविक नाम था शाहजहां का। वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एम्पायर ऑफ द मुगल एम्पायर, शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे सफल सम्राटों में से एक थे। ही वॉज द फिफ्थ मुगल रूलर। किसके बाद? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बाद वह पांचवें मुगल शासक थे। कैसे? अभी बताया कुछ देर पहले, भाजशाह। ठीक है, चलो आगे आगे समझना। और देखें, आफ्टर विनिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन पोस्ट ऑफ द डिमाइस ऑफ हिज फादर जहांगीर, शाहजहां सक्सेसफुली रूल्ड द एम्पायर फॉर 30 ईयर्स। अपने पिता जहांगीर के निधन के बाद, उत्तराधिकार के युद्ध जीतने के बाद, शाहजहां ने 30 वर्षों तक साम्राज्य पर शासन किया। कैसे? 1627 से लेकर 1657 तक। 1627 से लेकर 1657 तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, आई बात समझ में? जन्म देख ले, कब जन्म हुआ? 5 जनवरी 1552। परेशान मत हो, सारा कुछ पूर्णिमा जी, सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, कहीं नहीं जाना है आपको। 5 जनवरी 1552 को जन्म होता है, कहां? लाहौर में। और जन्म का नाम बता ही दिया, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। इनकी मृत्यु हो जाती है 22 जनवरी 1666 को, और कहां दफनाया गया? कहां दफनाया गया? ईसानी जी, देखिए देखो, हम लोग ना पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अब ये अनर्गल स्टेटमेंट करोगे, बच्चे कुछ आपको जवाब देंगे, फिर कहोगे सर बच्चे को ब्लॉक किया जाए, ये गलत, नो, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। अब बताओ कल हो कि आप सिविल सर्विसेज निकालोगे, ऑफिसर बन जाओगे, है ना? गलत स्टेटमेंट ना दे क्लास में। यानी अब मृत्यु का स्थान कहां? आगरा। यानी जहां ताजमहल है वहीं पर इनका कब्र है, वहीं पर इनका टॉम्ब है। ठीक है, लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन डैश का सबसे अच्छा संकेतक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। क्योंकि देखो हम लोग ना, आप लोग एक एज ए स्टूडेंट हो, कल हो के सिविल सर्विस की तैयारी करोगे, ऑफिसर बनोगे, ये स्टूडेंट का नेचर नहीं है, हम लोगों को केवल पढ़ने से मतलब है, बस हमें कैसे जॉब मिलना है। ठीक है, इसलिए पर्सनल कमिट ना करें दूसरे पे। चलो बताओ क्या होगा भाई, पॉल्यूशन तो चार हैं, कौन से पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, बहुत सही। यानी लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का ये सबसे अच्छा संकेतक है। अच्छा, वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस जिम्मेदार है? चलो जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि एयर पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा गैस जिम्मेदार है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे ज्यादा गाड़ियों के धुओं से, यातायात से, ट्रांसपोर्टेशन से निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
लाइकेंस कैन बी यूज्ड एज एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स स्पेशली ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सिंस दे डिराइव देयर वाटर दे एंड एसेंशियल न्यूट्रिशंस मेनली फ्रॉम द एटमोसफेयर रैदर देन फ्रॉम द सॉइल। समझना, लाइकेन का उपयोग वायु प्रदूषण संकेतकों के रूप में किया जाता है, यानी ये मुरझाना शुरू हो गया, इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ गई है, खासकर तब जब सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण। क्यों? क्योंकि वे मिट्टी के बजाय मुख्य रूप से वायुमंडल पर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? जल कहां से मिलेगा, आवश्यक पोषक तत्व कहां से मिलेगा इसे? तो वायुमंडल से मिलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन आता है, लाइकेंस एक जटिल जीवन रूप है जो दो जीवों को मिलकर तैयार होता है। कौन? फंगस और अल्की। कवक और शैवाल को मिलाने के बाद लाइकेन तैयार होता है। अगर हम फंगस की बात करें, स्टडी ऑफ फंगस क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ अल्गी क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहेंगे और फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी कहेंगे। दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखने का तरीका ऐसे याद रखिए, कैसे? FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM यानी फंगस माइकोलॉजी, FM हो गया, और AP यानी अलगी फाइकोलॉजी। तो याद रखने का तरीका आप जैसे याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हु स्टार्टेड द शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी महोत्सव किसने शुरू किया था? शिवाजी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय या बालाजी विश्वनाथ? चलिए बताइए क्या होगा। शिवाजी महोत्सव किसने शुरू किया था? लोकमान्य तिलक ने। शिवाजी महोत्सव लोकमान्य तिलक ने एक साथ महाराष्ट्र में स्वतंत्रता आंदोलन जिसमें चल रहा था तब लोगों को गैदर करने के लिए, अब अंग्रेज ने क्या, अंग्रेज कर क्या रहे थे, प्रतिबंध लगा दे रहे थे लोगों के मिलने पर, तो भैया पर्व त्यौहार में तो फेस्टिवल में तो मिलने से मना नहीं करोगे ना। तब लोकमान्य तिलक ने क्या किया, दो फेस्टिवल शुरू किया। 1893 में दो फेस्टिवल शुरू किए गए, शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव। अभी गणपति बप्पा मौर्य करते हो ना, 10 दिन की पूजा होती है जो वहाँ फेस्टिवल होता है मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव दोनों को शुरुआत, दोनों की शुरुआत करने वाले लोकमान तिलक थे 1893 में। क्यों? ताकि फेस्टिवल में जब हम जमा हो तो आपस में दोनों की जो प्रॉब्लम है, जो हम स्ट्रेटजी तैयार करेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध, कर सकते हैं। लोकमान्य तिलक स्टार्टेड द शिवाजी फेस्टिवल एंड द गणेश फेस्टिवल इन 1893। क्यों? टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। यानी शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव को शुरू किया, क्यों? देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, आगे देखें। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 शिवनेरी के किले में, मृत्यु कब हुआ? 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ किला, और फादर इनके शाहजी भोसले, पिताजी इनके शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। एक क्वेश्चन आता है कि इनके टीचर कौन थे? टीचर थे दादाजी कोणदेव, दादाजी कोणदेव, दादाजी कोणदेव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? इग्निटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, द व्हाइट टाइगर। चलिए बताइए क्या होगा। इग्निटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, द व्हाइट टाइगर, यानी कौन सी पुस्तकें अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है? आपको याद होगा आज के ज्ञान में अब्दुल कलाम से रिलेटेड लगभग 25 बुक्स आपको प्रोवाइड कराए थे। अगर रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं तो आपके पास होगा पीडीएफ फॉर्म में। ए और बी यानी केवल 3, तो ये कौन हो गए सर? व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। द नोवेल द व्हाइट टाइगर इज रिटन बाय अरविंद अडिगा, जिसके लिए इनको 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन आता है ना, इनमें से किसे
मैन बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया अरविंद अडिगा को, क्यों किया गया? द व्हाइट टाइगर नॉवेल के लिए। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बोडो लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पोकन, भारत के किस राज्य में बोडो भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड या मणिपुर? चलिए, भारत के किस राज्य में बोडो भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? असम। यानी बोडो भाषा मुख्य रूप से ना असम और मेघालय, असम और मेघालय दो राज्यों में मुख्य रूप से बोली जाती है। और बोडो को 2003, 2004 में 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया था, तब जाकर आज 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा कितने हैं? 22 भाषा है। बोडो इज स्पोकन इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ असम एंड मेघालय एंड इन बांग्लादेश। बोडो पूर्वी भारतीय राज्यों में असम और मेघालय एवं बांग्लादेश में बोली जाती है। इट इज रिलेटेड टू दिमासा, त्रिपुरा एंड लालंगा लैंग्वेजेज विच इज रिटेन इन लैटिन, देवनागरी एंड बंगाली। यानी जैसा हम लोग हिंदी में स्क्रिप्ट बात करते हैं देवनागरी, इंग्लिश की बात करते हैं रोमन, वैसे ही बोडो लैंग्वेज को लिखने के लिए लैटिन, देवनागरी और बंगाली लिपियों में को यूज किया जाता है। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क एंड इंपल्स इज रिस्पेक्टिवली, त्वरण, बल, कार्य और आवेग का एसआई मात्रक क्रमशः है। अब देखो, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जूल, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन एंड मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल एंड न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, जूल, न्यूटन एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड जूल। चलिए बताइए क्या होगा। बलजीत कौर करी सर, ऑप्शन टू। बहुत सही। देखो एक चीज छाट लो, त्वरण कहा, एक्सेलरेशन कहा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही तो है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही तो ऑप्शन में है, खत्म हो गया, क्यों माथापच्ची करना दूसरे में? हाई बात समझ में, एक छाट लिया ना, निकल गया। हाँ लिख, ठीक है। देखिए गौरव द्विवेदी कर रहे सर, फोर लॉक कर दें। क्यों लॉक कर दें सर? एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। आवेग, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, वर्क का जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड। वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विथ, वन महोत्सव से जुड़ा हुआ है किससे? पेड़ काटने से, प्लांटिंग ट्रीज वृक्षारोपण से, या इंक्रीजिंग क्रॉप फसल में वृद्धि, या प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स पौधों की सुरक्षा? क्योंकि देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हम गलती करा कर बैठते हैं एग्जाम हॉल में, वहां पहुंचते हैं तो दिमाग तीन चार तरीके से काम करना सोचना लगता है, ज्यादा सोचता है एग्जाम हॉल में ना, इस और ज्यादा सोचने के चक्कर में हम गलत कर देते हैं। अच्छा देखो गाइस, ऐसा है कि जिसका कमेंट पे, जिसे कमेंट पे नजर पड़ जाता है ना, बस निकल जाता है। लोग कर रहे हैं ऑप्शन टू, यानी प्लांटिंग ट्रीज। अच्छा क्लास का टाइमिंग आपको बता दें, जो 7 बजे जो क्लास होगी रेलवे की MWF में, 5 to 8, 5 से 6 रीजनिंग गुरु, 7 से 8 मैथ्स गुरु, और 6 से 7 मैथ्स गुरु, और 7 से 8 मेरे साथ जीएस गुरु, और TTS में यूपी पुलिस, 5 से 6 फिर रीजनिंग गुरु, 6 से 7 मैथ्स गुरु, और 7 से 8 हमारे साथ। शेड्यूल तो यही है आपके, है ना? क्या होगा? प्लांटिंग ट्रीज। देखो अगर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स कहें, पौधों की सुरक्षा कहें, तब हो जाएगा क्या पता है? पौधों की सुरक्षा, चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन किससे था? पौधों की सुरक्षा से था। देखो इन 1950, देखो बैकग्राउंड को देखना गौर से, हाथ में पौधों को हम रखे हुए हैं और कुछ मिट्टियां हैं ताकि हम पौधों को लगाने जा रहे हैं।
शुरुआत किसने किया? इन 1950 वन महोत्सव वाज स्टार्टेड बाय के एम मुंशी द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड एट द टाइम। 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री के एम मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। अब एक क्वेश्चन बन गया ना यहां, वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? के एम मुंशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? के एम मुंशी के द्वारा की गई। चलिए आगे देखते हैं। तब से दिस महोत्सव वाज स्टार्टेड टू क्रिएट अवेयरनेस इन द माइंड ऑफ द पीपल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्री। यह महोत्सव वनों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण के लिए लोगों के दिमाग में जागरूकता उत्पन्न करना शुरू कर दिया। इज दैट क्लियर? अब एक क्वेश्चन और बनेगा, सर ये सेलिब्रेट कब करते हैं? वन महोत्सव कब सेलिब्रेट करते हैं? एक सप्ताह सेलिब्रेशन चलता है ये। इट इज नाउ अ वीक लॉन्ग प्रोग्राम, यानी भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दिनों में मनाया जाने वाला यह एक सप्ताह का कार्यक्रम है, लेकिन इसे मेनली 1 जुलाई to 7 जुलाई सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। सैटर्न इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। सनी दूरी के अनुसार सूर्य से डैश ग्रह है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नीरज सिंह पूछ रहे सर मेरा नाम क्या है? माय नेम इज जीएस गुरु। भैया नाम से क्या करना यार, सिलेक्शन लो और अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। सिलेक्शन लो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, सर हमारा सिलेक्शन हो गया, ताकि पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपके नाम को लोग जान सकें। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। सिक्स्थ, देखो मैं आपको बार बार ट्रिक्स देता हूं कि जो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, इसे दिमाग में सेट कर लो, लेकिन फिर भी भूल जाते हो। दिया था ना भाई, हम लोग केजी में पढ़ चुके हैं, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सोड अस 9 planets। अब जितने सारे वर्ड हैं उसका पहला लेटर देखो क्या कहता है, मरकरी 1, वीनस 2, अर्थ 3, मार्स 4, जुपिटर 5, सैटर्न 6, यूरेनस 7, नेपच्यून 8, पी 4 प्लूटो, प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा, दैट्स इट, यही तो है। चलो आपको दिखा दे फिगर भी। आवर सोलर सिस्टम हैज 8 planets विच ऑर्बिट द सन। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, सूर्य से दूरी के क्रम में देखें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चलो यहां देख लें, यहां तो क्लियर होगा ना। देखो पहले मरकरी आया, वीनस आया, अर्थ आया और मार्स आया। ये क्या हो गया? आंतरिक ग्रह, ये आंतरिक ग्रह हो गया। अच्छा कलर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, रुको एक मिनट। ये आंतरिक ग्रह हो गई और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये बाह्य ग्रह हो गया, ये बाह्य ग्रह हो गया। क्यों? एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह किनके बीच रहेगा? मार्स और जुपिटर के बीच, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, लेकिन कभी कभार प्रॉब्लम कहां होता है पता है? जब अकॉर्डिंग देयर साइज पूछता है, आकार के अनुसार, समझना, आकार के अनुसार पृथ्वी कौन सी ग्रह है, तब माथा खुजाएंगे, सर खुजाएंगे, सर बता दो आकार के अनुसार पूछा है, आपने तो दूरी के अनुसार कहा था। आकार के अनुसार मैं फिर से आपको बताऊं, ईवीएम तो याद होगा, जो हार गए वो ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे, जो जीत गए वो चुप्पी मार गए। जे सन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एम स्क्वायर, यानी डबल एम, समझना, जुपिटर सबसे बड़ा नंबर 1, सैटर्न नंबर 2, यूरेनस नंबर 3, नेपच्यून नंबर 4, अर्थ नंबर 5, वीनस नंबर 6, मार्स नंबर 7, मरकरी नंबर 8। यानी मरकरी जो शुरुआत में था बेचारा चला गया इधर, साइज के आधार पे, आकार के आधार पे।
आ रही है बातें समझ में? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखें सर क्लियर हो गया, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है चलो। GSAT-3 इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट, इज बिलोंग्स टू विच कंट्री? GSAT-3 दुनिया का पहला समर्थित शैक्षिक उपग्रह किस देश से संबंधित है? यूएसए, अमेरिका, इंडिया, चाइना या रशिया? चलिए बताइए क्या होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। GSAT-3 दुनिया का पहला समर्पित शैक्षिक उपग्रह किस देश से संबंधित है? देखो भैया समझ लो ना, जी सैट जो भी जितने सारे हैं ये कौन छोड़ेगा? भारत सर अभी पता है सैटेलाइट के मामले में नंबर वन हो गए हम। दूसरे देश के सैटेलाइट को हम अपने यहां से प्रक्षेपित करते हैं, छोड़ते हैं। इंडिया इज नंबर वन। GSAT-3 इज ऑल्सो नन एज एडूसैट। अब ये देख लो, GSAT-3 को एडूसैट के नाम से भी जानते हैं। एडूसैट यानी एजुकेशनल सैटेलाइट, तोड़ दो इसको, EDU एजुकेशनल, SAT सैटेलाइट। तो हो सकता है आपके आने वाले समय में क्वेश्चन कर दे कि एडूसैट को किस नाम से जाना जाता है या GSAT-3 को किस नाम से जाना जाता है? एडूसैट के नाम से, जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे 20 सितंबर 2004 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, आज बात समझ में। एडूसैट इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बिल्ट एक्सक्लूसिवली फॉर सर्विंग फॉर एजुकेशनल सेक्टर। यानी एडूसैट पहला भारतीय उपग्रह है जो विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया। इट इज मेनली इंटेंडेड टू मीट द डिमांड फॉर एन इंटरेक्टिव सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम फॉर द कंट्री। यह मुख्य रूप से देश के लिए एक इंटरेक्टिव उपग्रह आधारित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? आप कहीं और हो, पता ना देश के किस कोने में होंगे आप, मैं देश के किस कोने में हूं। तो जो डिस्टेंस कोर्स है ना, खासकर डिजिटल, इसी को ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा। क्या करेगा? प्रमोट करेगा। ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, भारत और यूएसए के बीच निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है? शत्रुजीत एंड युद्ध अभ्यास, व्रज प्रहार एंड मालाबार, शत्रुजीत और मालाबार, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए बच्चे लिख रहे हैं सर मैं तो देश के सेंटर में हूं, बैंगलोर में हूं। चलो बहुत बढ़िया है, तो देखो है तो इस देश के नागरिक ही ना। चलो बताओ क्या होगा। भारत और यूएसए के बीच निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है? फोर, बहुत बढ़िया सर। देखो शत्रुजीत पहला है, मालाबार तो बता चुके हैं, पूछ चुके हैं आपके, तो सर ये तो है, ये तो है। अब देखो ये यहां भी मिल गया, ये यहां। सबसे बड़ी चीज पता है हम लोग क्या नहीं करते हैं, हमें ना ऑप्शन को छाटने का तरीका नहीं आता है। जिस दिन हम अपने माइंड में ये सेट कर लें कि ऑप्शन को हम छाटेंगे कैसे, कैसे निकालें, उस दिन पता है चुटकियों में हमारे लिए आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब सोचो शत्रुजीत पता है ये पहला है, मालाबार पता है भारत और यूएसए के बीच होगा। अब देखो शत्रुजीत और मालाबार यहां भी है, तो इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, बचा दो, तो क्यों ना हम ऑल ऑफ द अबव के साथ चले जाएं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ। प्रोजेक्ट संकल्प के उन्मूलन से जुड़ा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, एड्स, HIV, फार्मर्स पुअर कंडीशन, किसान की खराब स्थिति या पॉवर्टी, गरीबी। चलिए टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज के अंतिम क्वेश्चन आपके, अंतिम प्रश्न आपके। चलिए बताइए क्या होगा। एड्स और या कहें HIV, गरीबी नहीं। प्रोजेक्ट संकल्प क्या है ना, एड्स HIV से जुड़ा हुआ है। गरीबी की बात कर लें थोड़ी सी हम आ जाएं, पांचवें पंचवर्षीय योजना 5th 5-year plan में गरीबी को हटाने का
सबसे पहला संकल्प लाया गया था। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी किसमें? छिपी हुई बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी देखा जाता है। ठीक है, अब लग बच्चे उस सोच रहे हो सर आज का ज्ञान क्या है, काफी उत्सुक होंगे। चलो आज का ज्ञान बहुत मजेदार चीज है, उस आज के ज्ञान से कई सारे क्वेश्चन आपके निकल कर आएंगे, देखो क्या है। अच्छा एक चीज और आपके लिए सर, जरा सा हमें मिस्टर इंडिया बना दीजिए क्या आपके लिए। देखो ये पता है शेड्यूल क्या है, MWF और TTS। तो TTS में आपके SSC के क्लास होते थे, कल आपको पढ़ाया रीट के बारे में, और कल देखेंगे केवल और केवल MCQ। कितने लोगों को समझ में आया कि सर रीट क्या होता है, और जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए वो ऑफलाइन वीडियो देख ले, ताकि कल अब जब आए क्लास में कितने बजे, तो 12 से 1 दोपहर में मिड। ठीक है चलिए सर, ले आए हमें स्क्रीन पे। अब देखो आज आज का ज्ञान क्या है, आवर नेशनल सिंबल्स, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। अब देखो बैकग्राउंड में दिख रहा होगा तिरंगा झंडा है, मोर है, हाथी है, शेर या बाघ कहें। देखो आज द नेशनल बर्ड क्या होगा, पीकॉक। इंपोर्टेंट क्या आपके लिए, इसके साइंटिफिक नेम पावोक्रिस्टेटस। पावोक्रिस्टेटस किनके साइंटिफिक नेम है, मोर के। द नेशनल फ्रूट मैंगो, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, मैग्निफेरा इंडिका। ये मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग में बहुत मदद करता है, आगे समझना। द नेशनल फ्लावर लोटस, इसके बॉटनिकल नेम साइंटिफिक नेम कहें, निलुम्बो नुसिफेरा। द नेशनल ट्री यानी बैनियन, फाइकस बेंगलेंसिस, बरगद के बॉटनिकल नेम। आगे देखो द नेशनल एनिमल टाइगर यानी पैंथेरा टिग्रिस, बाघ का। और द नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन, यानी राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन, प्लेटेनास्टिक गैंगेटिक। और एक चीज और मैं बता दूं, गंगा डॉल्फिन पर एक रिसर्च सेंटर बनाया गया रिसेंटली, कहां, पटना में। और द नेशनल रिवर द गंगा, यानी भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो जब खत्म हो जाए, वीडियो जब खत्म हो जाए लास्ट हो जाए, तब आप अपने कमेंट बॉक्स में ना जरूर बताना कितने क्वेश्चन 20 में राइट किए हो, कितने रॉन्ग किए हो, कितने स्केप किए हो, क्योंकि तब आप जज कर पाओगे कितना सही है, और मैं आपको सजेस्ट कर पाऊं कि और ज्यादा क्या करना होगा आपको सुधार के लिए। तो कहीं जाना नहीं है, लाइव PSS है, रीजनिंग गुरु जुड़ेंगे आपसे बस ठीक मेरे जाने के बाद, क्योंकि मैं जब तक जाऊंगा नहीं तब तक रीजनिंग गुरु आएंगे नहीं। ठीक है, इसलिए जितने सारे जो पजल हैं या जितने सारे साइलो क्वेश्चन है, जितना दिमाग में कचरा भरा है रीजनिंग से रिलेटेड, पूछ डालो सब, ताकि आने वाले जो पेपर हैं तब तक लिए आप तैयार रहें। और देखिए आप ही के मदद से, आप ही के मदद से, आप ही के सहयोग से सारा क्रेडिट आपको, अब हम लोग का जो परिवार है 3 मिलियन का हो गया, यानी अब इतने बड़े परिवार, भैया परिवार जब बड़ा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। नहीं चलिए तो आज यहीं तक, मिलेंगे फिर से आपके फेवरेट चैनल महिंद्रा गुरु पे, तब तक के लिए टेक रेस्ट। चलिए ओके बाय, थैंक यू।